स्टेट का जो है एग्ज़ाम हो चुका है, 2018 वाला जो एग्ज़ाम है, और इसके साथ आपको पता हो तो कि सीटेट का एग्ज़ाम है जो साल में 2 बार होता है। तो जो अब 2019 में जो अगस्त में जो एग्ज़ाम होगा उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी आपका फरवरी 2019 में स्टार्ट हो जाएगा। तो जो ये एग्ज़ाम है वो CBSE बोर्ड द्वारा करवाया जाता है, और जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको जो इसका 60% जनरल वालों के लिए है और 55% जो अदर कैटेगरीज वालों के लिए है। तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपको पता है कि 60% तो जनरल वालों को क्वालिफाई करने के लिए, पास होने के लिए होने चाहिए उनके पास मार्क्स सीटेट में, और जो अदर हैं उनके 55% में। तो इस जो वीडियो में मैं आपके लिए, अगर आपका जैसे रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्द इसका, तो उसके बाद में जो है अगस्त का जो एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जो अगर आप किसी को इम्प्रूव करना है मार्क्स, या फिर कोई फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट मतलब अपियर होने जा रहा है, तो उसको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि किस तरह आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, कब से इसके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, तो सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो पहले तो आप EDHOM लाइव क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमें फेसबुक और जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। उसके अलावा दोस्तों EDHOM.IN जो वेबसाइट है उस पर भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैंने बता दिया कि 2 बार एग्ज़ाम होता है इसका, तो फरवरी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, अगस्त वाले जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। ठीक है, तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाता है आपको जैसे पता होगा, और इसका जैसे अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका कुछ है नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड टाइम है कि जो अगस्त में जो इसका एग्ज़ाम होगा, जुलाई अगस्त में जो एग्ज़ाम होगा उसका फरवरी में एप्लीकेशन आपका जो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे अपन बात कर लेते हैं इसकी सी टेट का जो है कि एग्ज़ाम किस किस के लिए होता है। तो वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के जो टीचिंग में मतलब कि स्कूल लेवल के जो हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ और सिक्स टू एट्थ क्लास के लिए जो टीचर बनना चाहते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए क्वालिफिकेशन टेस्ट है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसको अगर आप पास करते हैं तो आप जो आने वाली एप्लीकेशन फॉर्म है KVS NVS ये जो भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी वाले जो स्टेट्स हैं अपने, उनमें जो वैकेंसीज निकलती है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं। और इसकी ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आपकी जल्द ही CTET.NIC.IN पे अवेलेबल हो जाएगी। जो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सॉरी इसका जो नोटिफिकेशन है वो साल में मतलब कि अभी जल्द जारी हो जाएगा। अब ये एग्ज़ाम जैसे कि पता है कि आपको 2 बार होगा, और शायद इस बार जो एग्ज़ाम है वो 2019 में जो एग्ज़ाम है शायद ऑनलाइन भी हो सकता है। इसकी इन्फॉर्मेशन भी मतलब न्यूज़ आई थी कि एग्ज़ाम शायद 2019 इसमें ऑनलाइन भी हो सकता है, तो इसमें ये चेंजेस देखने को मिल सकता है। 2019 में इस बार भी कम से कम भी जो 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और 17 लाख जो लोग हैं कैंडिडेट्स हैं वो अब इसमें एग्जाम में अपीयर हुए थे 9 दिसंबर को। तो जो इस मैंने पहले भी बताया आपको आपका कि अगर सीटेट को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप KVS NVS TGT PGT ये जो वैकेंसी निकलती है उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। तो आपकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है उसकी डिटेल अपन बता देते हैं आपको कि इंपॉर्टेंट डेट्स, एक्सपेक्टेड है टाइम आपका फरवरी में आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, और फरवरी मार्च में इसकी एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगी, और जो इसका एग्ज़ाम है जुलाई अगस्त में होगा, ठीक है, और उसके जस्ट बाद में आपका जो रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको अभी अगर सीटेट अभी अगर आपने इस बार भी दिया है और अगर आप मार्क्स और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपको अप्लाई करना है। ठीक है, एग्जामिनेशन की डिटेल मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि इसका CBSE बोर्ड है जो इसका एग्ज़ाम करवाता है हर बार। ठीक है, और इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फर्स्ट टू फिफ्थ वालों के लिए, जैसे पेपर लेवल 1 और 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं कि जो फर्स्ट से 5 5th के लिए अप्लाई करता है उनका एग्ज़ाम मतलब अलग शिफ्ट में होता है, और फिफ्थ टू एट्थ जो अपर प्राइमरी लेवल वाले हैं उनके लिए अलग होता है। तो इसमें जो मिनिमम जो एक कॉमन जो क्राइटेरिया वो है BEd और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए आपका, या फिर ग्रेजुएशन इन डिप्लोमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर एजुकेशन में होना चाहिए। तो डिप्लोमा और ग्रेजुएट्स हैं एलिमेंट्री एजुकेशन या एजुकेशन में, तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ ये है कि जो सीनियर सेकेंडरी अथवा उसके समकक्ष 50% मार्क्स हों और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष से डिप्लोमा कर रखा हो, तो फिर फर्स्ट से फिफ्थ वालों के लिए एप्लीकेशन ये जो एलिजिबिलिटी है मैं आपको बता रही हूँ
तो इसमें शामिल हो सकते हैं, या उम्मीदवार सीनियर सेकेंडरी मतलब कि 12th में न्यूनतम 45% और NCT मान्यता द्वारा रेगुलेशन में 2 या 2 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो उनका, या फिर उम्मीदवार 12th में न्यूनतम 50% हो, साथ ही में 4 वर्षीय जो बीएड मतलब बीएड जो ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंतिम वर्ष में शामिल हो, मतलब कि अभी ये कर रहे हो फाइनल ईयर हो उनका, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में हमने क्वेरी होती है, और जो लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन, तो इसको डिटेल को आप कंप्लीट ध्यान से सुने, और जरा इसको पॉज करके भी आप डिटेल देख सकते हैं सारी जो मैंने इसमें वीडियो में दी है। उम्मीदवारों के सीनियर सेकेंडरी में न्यूनतम 50% हो, या जो एजुकेशन है शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो, ठीक है, और अंतिम वर्ष में शामिल हो या फिर उत्तीर्ण हो, तो आप अगर अपियरिंग है फाइनल ईयर में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप पास हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या तो और या फिर स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो या अंतिम वर्ष में आप शामिल हो रहे हैं, ये तो ये इसका 1st to 5th के अगले आप लेवल 1 के लिए पेपर 1 के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो इसका क्राइटेरिया ये है। सेकेंड है जो CTET का पेपर 2 है, 6th से 8th के वालों के लिए होता है, वो उसमें है कि आपका जो है स्नातक मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ ही और साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष डिप्लोमा हो, या आप या तो पास हो चुके हैं या फिर आप जो है फाइनल ईयर में अपीयर हो। स्नातक में से नेक्स्ट सेकंड सेकंड जो क्राइटेरिया है स्नातक मतलब ग्रेजुएशन में कम से कम 50% हो, साथ ही 1 वर्षीय डिप्लोमा यानी शिक्षा में स्नातक बीएड में शामिल हो या उत्तीर्ण हो। नेक्स्ट है आपका जो ग्रेजुएशन है 45% हो, और इस संबंध में NCT रेगुलेशंस के अनुसार समय समय पर और जारी 1 वर्षीय शिक्षा में स्नातक में शामिल हो, जैसे कि आप जैसे कि NCT करवाता है बीएड करवाता है 1 साल का, या तो आपके पास उसमें डिप्लोमा हो या फिर आपके पास जो 1 साल का पूरा जो कोर्स होता है वो हो आपके पास, या फिर आपके डिग्री हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे है जो उम्मीदवार के सीनियर सेकेंडरी के कम से कम 50% के साथ आचार ये होता है कि 12th के साथ आपने डिप्लोमेंट्री एलिमेंट्री एजुकेशन कर लिया हो या फिर आप कर रहे हो फाइनल ईयर में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड है 12th में कम से कम 50% हो और 4 वर्षीय BA BSc एड मतलब जो होता है ना कि BA के साथ में भी कोई लोग जो है ये बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर BEd कर लेते हैं, BSc भी जो लोग करते हैं उनके लिए, तो उस एक और बात मैं बता दूं कि ये कॉमर्स वालों के लिए नहीं होता है एग्ज़ाम, सिर्फ आर्ट्स और साइंस वाले ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्लियरली है कि जो टीचिंग वैकेंसी निकलती है वो सिर्फ इनके लिए निकलती है, ठीक है, आर्ट्स और साइंस वालों के लिए, तो वो ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो भी इन्हीं के लोगों के लिए होता है। या और नेक्स्ट है या तो उम्मीदवार के स्नातक से कम से कम 50% अंक हो या 1 वर्षीय BEd में शामिल हो या उत्तीर्ण हो, ठीक है। अगर आपने डिग्री के साथ आपने ग्रेजुएशन एलिमेंट्री एजुकेशन या एजुकेशन मतलब BL Ed या फिर BEd कर रखा हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो एज लिमिट है वो 18 वर्ष मिनिमम है, और इसको अगर आप नंबर ऑफ अटैम्प्ट मोस्टली ये होता है कि हम कितनी बार अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो नो लिमिट है, आप अगर जितना इंप्रूव करना चाहते हैं कर सकते हैं, बार बार इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। या आप नेक्स्ट है अपना कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको CTET.NIC.IN पे आपको जाना है, वहाँ पे जो आपको वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन का लिंक होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है, वहाँ पे आपको जो है आपकी रजिस्टर्ड ID ये सब कुछ आपने एक प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद में आपको एक जो है mail ID प्रोवाइड करवाना है, ताकि आपके जो रजिस्टर्ड mail ID पे आपकी जो कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाए, और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन आपको mail ID पे भी सेव रहे, ठीक है। आपको स्क्रीन पर आपको सब डिटेल दी जाएगी, उसमें आपको आपका नाम भरना है, पेरेंट्स का नाम भरना है, और उसमें आपको जो है आपने किस में डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएशन कर रखा है, जो भी आपका है एजुकेशन क्राइटेरिया मतलब ये क्वालिफिकेशन आपकी वो फिलअप करनी है, सब डिटेल भरनी है, जो आपने जो हस्ताक्षर है और आपकी जो तस्वीर है वो स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके पास, तो वो आपको सबमिट कर मतलब अपलोड करना है उस प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में, मतलब कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको उसको अपलोड करना है, ठीक है। वो आपको बता दी मतलब इस टाइम स्क्रीन शॉट मतलब स्क्रीन पे होगा, आपको इंस्ट्रक्शन दिए होंगे, ठीक है। मोस्टली तो सिग्नेचर का होता है मैक्सिमम 10 KB, आप 20 KB तक आपके जो है सिग्नेचर होने चाहिए, और 40 KB है जो आपका इस फोटो की साइज होनी चाहिए, ये होता है मिनिमम स्टैंडर्ड जो क्राइटेरिया है वो। अब फिर उसके बाद में आपको जो है आपको ऑनलाइन आवेदन करना, ऑनलाइन फीस भरनी है तो ऑनलाइन भर सकते हैं आप नेट बैंकिंग, और या फिर आप चालान से करना चाहते हैं तो आप चालान से भी सब जो कर सकते हैं आपकी एप्लीकेशन फ़ीस सबमिट, ठीक है। इस तरह से आपका ये सारा प्रोसेस रहेगा, और अगर जैसे इसका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो हम आपको और अच्छे से आपको जो है डिटेल आपको बताएंगे, तो पहले यूट्यूब लाइव क्लासेस
उसको सब्सक्राइब करके रखिए आप। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगी, हार्ड कॉपी है ना अपनी एप्लीकेशन फॉर्म की, जरूर रखें आप, याद से रखें, क्योंकि अपने एप्लीकेशन नंबर खो देते हैं और उसके बाद में अपन वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये मोस्टली ये है आपके लिए, बहुत अच्छे से आपको तो ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा सी टेट का जो है सिलेबस भी मैं आपको एक बार डिस्कस करके बता देती हूँ। उसमें पांच सेक्शन होते हैं, फाइव फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड वालों की, और जो नेक्स्ट है सेकंड पेपर का जो लेवल होगा उसमें चार सेक्शन होते हैं, ठीक है। 150 का आपका क्वेश्चन, 150 का मार्क्स तक का क्वेश्चन मतलब पेपर होता है, और 150 आपके क्वेश्चन होते हैं फाइव सेक्शन में, ठीक है। बाल विकास और अध्यापन ये वाला जो है ये आपका एक फर्स्ट होगा सेक्शन, और फिर भाषा फर्स्ट, और सेकेंड हिंदी इंग्लिश गणित, और जो आपको मतलब कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, और पर्यावरण अध्ययन। इस तरह से आपके जो क्लासिफिकेशन कर रखा है यहाँ पे, किसी में 15 क्वेश्चन आएंगे, किसी में 5 क्वेश्चन आएंगे, इसमें इस तरह से क्लासिफिकेशन है इसका, आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके रखिए और उसमें से आप नोट भी कर सकते हैं इस वीडियो को, वीडियो में से आपके कितने किस भाग में से कितने क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो क्राइटेरिया था पेपर का, और वो जो क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, और आगे आप कब सीटेट में अप्लाई कर सकते हैं, तो ये भी क्वेरीज आ रही थी मेरे पास, तो मैंने इसमें डिटेल में आपको वीडियो में आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स ने कमेंट्स किए थे कि मैम नेक्स्ट जो है एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, तो ये आप हमारे पास नोटिफिकेशन मतलब कि हमें अभी सोर्सों से पता चला है कि हाँ इसका जो एप्लीकेशन है वो फरवरी में स्टार्ट हो सकता है। इसके अलावा आप यूट्यूब पर हमें यूट्यूब